थाना कैंट प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान दो अवैध कच्ची शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने इनके कब्जे से 200 लीटर अवैध कच्ची शराब और 1 किलो यूरिया बरामद की है। गिरफ्तार किए गए अवैध कच्ची शराब कारोबारियों की पहचान मान सिंह पुत्र व्यास मुनि सिंह निवासी झरना टोला थाना शाहपुर और नवीन हलदार पुत्र बलराम हलदार निवासी भैया टोला नंदा नगर थाना कैंट के रूप में हुई है। इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि थाना कैंट प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध कच्ची शराब कारोबारियों द्वारा टेम्पो से ले जा रहे कच्ची शराब के साथ मोहद्दीपुर से गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर इन्हें जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में मोहद्दीपुर चौकी प्रभारी अरविंद कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, कल कैंट थाने की पुलिस द्वारा रात में चेकिंग की जा रही थी, इसी बीच में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक ऑटो से दो व्यक्ति शराब ले जा रहे थे। जब उनको पकड़ा गया तो देखा ऑटो में एक बोरी में अंदर शराब ले जा रहे थे। उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और वाहन को सीज कर दिया गया है। सर, ये कहाँ से शराब ले जा रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे? ये अमूर्तानी की तरफ से शराब ले जा रहे थे और आगे दर मोहद्दीपुर के आगे ले जा रहे थे। मतलब अभी तक प्रथम दृष्टया ही बताया कि वहीं से शराब ले जा रहे थे, बाकी उसकी पड़ताल की जा रही है कि कौन कौन स्रोत में शामिल है, उन सबकी पड़ताल की जा रही है। पेशेवर कार्यवाही लेबर टाइप के व्यक्ति हैं जो इधर से उधर परिवहन का कार्य मुख्यतः करते हैं। अभी लोगों से और पूछताछ करके कि कौन वहाँ मुख्य इनका शरणदाता है उसकी पहचान की जा रही है।